अमेठी जिले के तिलोई में बस स्टेशन की जर्जर व्यवस्था, बिल्डिंग जर्जर, नहीं बैठते अधिकारी। मंत्री सुरेश पासी का है क्षेत्र, मूक दर्शक बना है परिवहन विभाग, यात्रियों को उठानी पड़ रही है दिक्कतें। अमेठी में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस अधीक्षक बीसी दुबे ने जिले में शांति व्यवस्था के लिए संभ्रांत नागरिकों के साथ की बैठक। ताजिए का रूट किया निर्धारित, करबला का किया गया निरीक्षण। अमेठी खरौली गांव में सर्पदंश से 15 वर्षीय बच्चे की मौत, सोते समय सांप ने काटा, घर में कोहराम मचा। अमेठी के मुसाफिरखाना में प्रतापगंज में जलभराव के चलते आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, दर्जनों घरों और मंदिर में भरा पानी, आवागमन हुआ बाधित। अमेठी में हो रही बारिश से तहसील परिसर बना तालाब, जल निकासी न होने से एसडीएम कार्यालय के सामने भरा पानी, लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। अमेठी के मुसाफिरखाना में अनखरा निवासी वीरेंद्र को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हालात नाजुक, डॉक्टरों ने किया लखनऊ रेफर। अमेठी में रायपुर फुलवारी स्थित सोपियन स्कूल में बच्चों ने धूमधाम से मनाया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व, रंग बिरंगे परिधानों से सजकर बच्चों ने की राधा कृष्ण की झांकी की प्रस्तुति। अमेठी में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्या के निर्देश पर 4 अलग अलग वॉलंटियर को किया गया गिरफ्तार, चारों दहेज हत्या में थे आरोपी, चारों को भेजा गया जेल, अमेठी कोतवाली का है मामला। अमेठी के संग्रामपुर के ठेंगहा में नाली ना होने से बरसात का पानी लोगों के घरों में घुसा, आवागमन हुआ बाधित, शिकायत के बाद भी नहीं सुन रहे आला अधिकारी, ग्रामीणों में रोष। अमेठी में मस्जिद के ऊपर बिजली गिरी, मस्जिद का गुंबद हुआ क्षतिग्रस्त, घटना के वक्त मस्जिद में नहीं था कोई, नहीं तो हो जाता बड़ा हादसा। अमेठी के जायस के वॉल्ट 8 में नालियों में फंसे कचरे के चलते जमा हुआ पानी, चारों तरफ लगा गंदगी का अंबार, नगर पालिका के कर्मचारी सादे हैं चुप्पी, सभासद ने मूंदी आंखें। सुल्तानपुर में ड्यूटी पर तैनात सिपाही गया प्रसाद की तबीयत हुई खराब, जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत, कोतवाली देहात के पखरौली था रहने वाला, धम्मौर में था तैनात। सुल्तानपुर के भटमऊ में पावर हाउस में बिजली जोड़ते समय करंट लगने से संविदा विद्युत कर्मी झिनकाने हुआ घायल, नाजुक हालत देखकर डॉक्टरों ने किया लखनऊ रेफर। सुल्तानपुर के सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जयंती, छात्राओं ने पेश की आकर्षक झांकियां, खेली फूलों से होलियां। सुल्तानपुर के ग्राम बहुबरा में हरे पेड़ों की कटान जोरों पर वन माफिया खुलेआम चला रहे हैं हरे पेड़ों पर आरा, प्रशासन बना मूक दर्शक। सुल्तानपुर नगर में हर्षोल्लास से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी, सजाए गए मंदिर और झांकियां, किया गया विविध कार्यक्रम का आयोजन, सैकड़ों लोग रहे मौजूद। सुल्तानपुर के धनपतगंज में विद्यालय में गायों का बसेरा, स्कूल प्रांगण में गोबर ही गोबर, स्कूली बच्चों और शिक्षकों को उठानी पड़ रही है दिक्कतें। सुल्तानपुर के बल्दीराय में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष भिड़े, 35 वर्षीय मनोज को आई गंभीर चोटें, डॉक्टरों ने किया लखनऊ रेफर, मामला थाने पहुंचा। हार्दिक पटेल के अनशन पर गुजरात सरकार के ढुलमुल रवैये से नाराज कृषक बचाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने सुल्तानपुर में किया धरना प्रदर्शन, तिकोनिया पार्क में किया गया 2 दिवसीय उपवास कार्यक्रम, सैकड़ों लोग जुटे। सुल्तानपुर के बनकेपुर में 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने की हुई टक्कर, बाइक सवार सिपाही दिलीप और वेद प्रकाश हुए चोटिल, जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। सुल्तानपुर के लम्बुआ में ग्राम पंचायत जाटूपुर में पंचायत भवन बना मवेशियों का अड्डा, झाड़ियों से ढका पंचायत भवन, संबंधित अधिकारी बने हैं मूक दर्शक। सुल्तानपुर में श्रम घोटाले का एक आरोपी रुपेश चढ़ा कोतवाली पुलिस के हत्थे, करोड़ों रुपए के घोटाले का है मामला, पुलिस ने शुरू की जांच।